भाभी, लंदन से भैया का फोन आया है। हेलो 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 हेलो, ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो, जाने दो मुझे। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने के बाद। ये क्या कह रहे हो तुम? खेल खेल रहा हूं, और आज के इस खेल की हीरोइन तुम और हीरो मैं। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो भाभी? अरे मैं कहना भूल गया। मुझे तेरी कसम माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भाभी को वो समझाया, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे नींद ही नहीं आती है। नहीं नहीं, ये झूठ कह रहे हैं माँ जी। ये मुझे आप सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। मैं अपने सौ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ माँ जी, मैं निर्दोष हूँ। नीच बेशर्म, आखिर बता देना अपनी असलियत। जब मेरे राम जैसे बेटे को पता चलेगा कि जिससे वो सीता समझता था वो एक बदचलन औरत है, तो शर्म के मारे वो अपनी जान दे देगा। तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, निकल जा मेरी नींदों के सामने से। नहीं माँ जी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे बचा लो मौसा जी, मुझे बचा लो। मैंने कोई पाप नहीं किया, पता नहीं लोग मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं। मुझे बचा लो। दुर्गा जी, मैं कहता हूँ रवि को तो आने दो। तुम चुप रहो, अब क्या कसर बाकी रह गया है जो मैं रवि को आने दू? निकल यहाँ से। माँ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह बाकी नहीं है, निकल यहाँ से। खबरदार जो तुम्हारे यहाँ कदम रखा तो निकल यहाँ से। माँ जी, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए माँ जी, माँ जी मेरी बात तो सुनिए। ये तो मर गई। हाँ हाँ मर गई, अब दूसरा काम भी तो करना है, चल। अरे लक्ष्मी कहाँ है? जल्दी आ जा। चलो, आज उषा का पूरा खानदान ही जलकर खत्म हो गया।
उषा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? रवि बेटे। माँ कैसी हो? माँ उषा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है माँ, तुम खामोश क्यों? रवि बेटे, हमारा खामोश रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उषा के बारे में कुछ कहेंगे तो तुम सुन नहीं सकोगे। ऐसी कौन सी बात है माँ जो मैं सुन नहीं सकूंगा? देखो बेटे, कोई भी इज्जतदार माँ अपने बेटे के सामने अपनी बहू की इज्जत को उछाल नहीं सकती। माँ ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, सच बहुत कड़वा होता है बेटे। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो श्याम सुंदर से पूछ लो। मैं उषा के बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं मान सकता। मेरी उषा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। इस तरह उस हादसे में सबके सब जलकर खत्म हो गए। सिर्फ ये खंडर रह गया है, पता नहीं आग कैसे लगी। डॉक्टर साहब, दवाइयां लाया हूं। हमिद भाई, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम इसके लिए सब कुछ कर रहे हो। डॉक्टर साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा की मर्जी से कर रहा हूं, वरना आदमी अपनी मर्जी से किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, 3 महीने हो गए, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? डर तो हम भी रहे हैं, क्योंकि इसके पेट में एक जिंदगी पल रही है। मां और बच्चा दोनों खतरे में हैं। क्या इन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं? तरीका एक ही है, सर्जरी। ऐसी हालत में ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मां बच पाएगी कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए मगर दोनों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का काम सिर्फ कोशिश करना है, बचाना तो मालिक के हाथ में है। मालिक मेरी जरूर सुनेगा डॉक्टर साहब, मालिक मेरी जरूर सुनेगा। अल्लाह का करम है बहन, वरना डॉक्टर ने तो मुझे नाउम्मीद कर दिया था। अब मैं तुमसे तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। हमीद भाई,
आपने मुझे बहन कहा है और अपनी जान पर खेलकर मुझे और मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। कसम है आपको उस पवित्र रिश्ते की। अगर आपने मुझे मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछा तो। मगर जुल्म सहना भी पाप है बहन। तुम मुझे उनका नाम और पता बताओ, तुम पर जुल्म ढाने वालों को बर्बाद कर दूंगा मैं। मैं उस घर की और अपने पति की बर्बादी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वहां से लौट आई। अब मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूं। शायद मेरी ये मौत ही उस घर के लिए नई जिंदगी हो। मां, क्या हुआ मां, क्या सोच रही हो? अरे सोच में नहीं डूबेंगी तो बेचारी क्या करेंगी। एक तो इनके सर पर पहले से एक के बाद दूसरी बिजली गिर रही है और उस पर से तुम एक नई बिजली गिराने चले आए। बासा! इन पर गर्म होने की कोई जरूरत नहीं किरण। जो कुछ भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है। इस खानदान, इस घर और अपनी माँ की इज्जत की परवाह किए बगैर तुम इस कीचड़ को इस घर की कालीन पर बिछाना चाहते हो। भैया ये मत भूलिए कि इस घर की दीवारों पर आपकी पत्नी की भी कहानियां लिखी हुई हैं और आपकी पत्नी से चंदा लाख दर्जे बेहतर है। किरण चिल्ला मत भैया, ये बदनामी के साए में पली जरूर है लेकिन बदनाम नहीं हुई। इसने अपने अदाओं को बेचा है जिसम नहीं बेचा इसने। सुन रही हो मां, है आज तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब? तुम बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो मां? रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये छोटा कौवा कौन है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक मौसा, बंद करो अपनी कविता। हराम की रोटियां खाते खाते तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, अपने औकात में लेके बात क्या करो समझे? जिसे तुम कौवा कह रहे हो ना, वो चंदा का भाई है, मेरा साला है, तुम्हारी तरह इस घर की दहलीज में बंधा हुआ कुत्ता नहीं। कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ हाँ कहा और 100 बार कहूंगा। तुम मेरे कुत्ते में फर्क ही क्या है? वो भी टुकड़े खाकर अपनी दुम हिलाता है और तुम्हारी तरह भौंकता रहता है। वाह किरण साहब वाह, आज आपने बड़ी मेहरबानी की, मुझे समझा दिया कि इस घर में मेरी औकात क्या है। मैं तो वाकई कुत्ता हूं। अरे मैं तो कुत्ते से भी गया पीता हूं, जो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। मैं भोला भाला सीधा साधा हंसता रहा, हंसाता रहा, आप लोगों को कविताएं सुनाता रहा और मुझे मालूम ही नहीं कि आप सब लोगों मुझे कुत्ता समझ रहे हैं। लेकिन आज ये पालतू कुत्ता इस घर में रहने की बजाय गली का कुत्ता बनना ज्यादा बेहतर समझेगा। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। दादा, अगर तुमको मेरी धर्म पत्नी बनकर जीना है तो इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। दादा, तुम इसके साथ जाओगी कहाँ? जन्म में तुम्हारा बड़ा घर और घटिया ख्याल तुम्हें ही मुबारक हो। जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो वहां रहकर क्या फायदा। चलो शाम। अरे दुर्गा निवास छोड़ दिया तो क्या हो गया यार? तेरे लिए ये हर्षद टोपी ऐसे एक नहीं 10 घर खरीद सकता है। तेरे को ऐसे समझाऊं? गूंगी हो गई, बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। बहुत अच्छे, देखा भाभी, ये है बीवी का असली रूप। आज मैं बेहद खुश हूँ, मैं अपने दोस्त की खुशियाँ वापस लाने में कामयाब रहा। आप कामयाब रहे? कुछ समझी नहीं। अरे राधा, यही है मेरा कॉलेज का दोस्त, वो फोन वाला जानू। मैं जानू बोल रही हूँ, तुम्हारे कॉलेज की दोस्त जॉन। तो वो आप थे? हाँ, यही है वो जानू जो आवाज बदल कर आपको फोन करते रहे हैं। वैसे भी इनकी आवाज शहर बाजार में चिल्लाते चिल्लाते इतनी बदल चुकी है कि कभी कभी तो मैं भी नहीं पहचान पाती। अरे भाई, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम मेरे साथ चोर बाजार चलना। चोर बाजार?
चोर बाजार बोला हाँ। शेर बाजार शेर बाजार मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लोगों को टोपी किस तरह पहनाते और फिर देखना जिंदगी की गाड़ी का पहिया कैसे घूमता है।